Finally, Paris it is. Yes, after a long and tiring journey. And very tough journey. And very tough. The first leg was very tough. तो गाइस बकल अप योर सीट बेल्ट. अभी हम लोगों की काफ़ी लंबी फ्लाइट है पेरिस के लिए, क्योंकि हमारे को दिल्ली से रियाद जाना है और रियाद से हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है टू पेरिस. यस, एंड वी आर गोइंग वाया सऊदीया. सऊदी अरेबिया एयरलाइन हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं. होपफुली अच्छी होगी, नहीं हुई तो हम आपको पेरिस जाके फीडबैक दे देंगे. तो टिल देन स्टे ट्यून्ड. तो हमारा बोर्डिंग का टाइम हो गया है. और टाइम कैसे पास हुआ पता ही नहीं चला. यस, ये रील बनवा रही थी और मैं बना रहा था, बनाते बनाते इसकी तो बन गई पर मेरी नहीं बनी. बट एनीवे इतना टाइम भी नहीं था. अब लेट्स सी कि मेरे को कब मौका मिलता है रील बनाने का. नेक्स्ट टाइम प्रॉब्ली मिलेगा. यस, हमें दोबारा एयरपोर्ट आना पड़ेगा उसके बाद. टाइम बाकी है, अभी पूरा ट्रिप पड़ा हुआ है. चलो फिलहाल टू द फ्लाइट. ये सऊदीया की फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू पेरिस हमें कॉस्ट कर रही है 48,000 रुपीज पर पर्सन रिटर्न. एंड इफ यू आस्क मी आजकल के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी डील है. तो अभी हम फ्लाइट में सेटल हो गए हैं और मैं आपको यहाँ की सीटिंग का टूर दे देता हूँ. लेग स्पेस ओकेश है, काम चल जाएगा. एंटरटेनमेंट सिस्टम ये हमारे सामने है, काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा है. एंड रिमोट भी है बट आई थिंक ये दोनों नहीं चल रहे. ट्रे टेबल ओपन करके देखते हैं, ये साफ़ सुथरा नहीं है तो इसको बंद ही कर देते हैं. अभी ये हो गई है हमारे सफाई अभियान की शुरुआत. और मैं आपसे भी रेकमेंड करूँगा कि फ़्लाइट में आप ऐसा ही करिए, क्योंकि ये ट्रे टेबल कितना गंदा है हमें नहीं पता. यहाँ पे अब ये हमको क्या मिला है, लेट्स चेक इट आउट. ये मास्क है, फेस मास्क, सैनिटाइजर, वेट पैड, आपको ये सब चीज़ें हैं. This is the first time any airline has given this these things, personal hygiene kit, especially in economy. We got these refreshing tissues as well. तो अभी तक काफी खातिरदारी. अभी तक काफी नहीं था. Sanitizer और wet wipes काफी नहीं था. वो चाहते हैं कि हम दोबारा से these are also wet wipes वैसे. Refreshing tissue. Wet wipes ही होती हैं ये. चलो. पहले ही मिलता है. But इट्स अ गुड इनिशिएटिव. ऐसा पहली बार किसी एयरलाइन ने किया है. बहुत सारे करते हैं बट स्पेशली कौन और डीज ऑल्सो. और इसमें क्या है, ईयरफोन है. चलो बोलो सारा इसमें क्या है. सारा There you go. Oh, it's a bag. Okay, open the zip. Let's see what's inside. Oh, sure, daddy. Utensils. क्योंकि हमारा एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं चल रहा तो हम लोगों को अपनी सीट्स चेंज करवानी पड़ी. एंड ऑनेस्टली दीज आर वे बेटर. और क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि मैं कौन सा चाइल्डहुड शो देख रहा हूँ, प्लीज़ लेट मी नो. अब आ गई है हमारी इन फ्लाइट मील की बारी. इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या है. हमने वेज के लिए ऑप्ट किया है. सारा के लिए किड मील है, नेहा ने अपनी सैलेड ऑलरेडी ओपन कर ली है. ये साथ में है परांठा. एंड खाना ऑनेस्टली ठीक ठाक है, आई हैव नो कंप्लेंट्स. अनटिल दिस पॉइंट तो सब कुछ ठीक था, बट लैंडिंग के टाइम तो ऐसी घटना घटी है कि भैया मैं तो अपने कानों को हाथ लगा रहा हूँ कि सऊदी आज के बाद कभी ट्रैवल नहीं करूँगा. तो हुआ ये कि लैंडिंग के टाइम एक्सट्रीम टर्बुलेंस थी एंड आई थिंक पायलट प्लेन को रनवे से प्रॉपरली लाइनअप नहीं कर पाया.
और टचडाउन करते ही वी टुक ऑफ अगेन. इसको गो अराउंड मनोवर बोलते हैं वैसे तो, बट इट वॉज डैम स्केरी. लोगों की हवा निकल गई थी इसमें और वेदर भी बाहर एकदम ठीक था, तो आई डोंट नो कि उसने ऐसा क्यों किया. और इसके बाद हम लोग एक घंटे के लिए हवा में थे, जिसमें से दो बार वी ट्राई टू लैंड अगेन, बट इसके बाद एक्सट्रीम टर्बुलेंस स्टार्ट हो जाती थी, तो द लैंडिंग प्रोसेस वॉज अनसक्सेसफुल. ऑन टॉप ऑफ दैट, ये फ्लाइट में कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही थी कि क्या हो रहा है, और वी वर ऑल लेफ्ट इन सस्पेंस. बट थोड़ी देर बाद फ्लाइट का पाथ चेंज हुआ और दूसरी डायरेक्शन में जाके फिर से लैंडिंग इनिशिएट हुई, एंड दिस टाइम वी वर एबल टू लैंड सेफली. आई थिंक रनवे भी चेंज हुआ था, एंड वी ऑल सॉ दैट इन द फ्लाइट मैप. और ये आपके सामने भी है फ्लाइट मैप, आप देख सकते हैं. बाकी डिसएम्बार्केशन के टाइम क्रू ने पर्सनली हम लोगों को अपोलोजाइज किया और उन्होंने बताया कि सच इंसिडेंट्स दे हैपन वंस इन अ लाइफ टाइम, एंड आई रियली होप कि इसके बाद कभी ऐसा ना हम लोगों को फेस करना पड़े, बिकॉज इट वॉज डैम स्केरी. Everybody, we're inside the airport. Saudi Arabia airport. Yes. And this is our last flight. Yes, we will take another flight to Paris. तो गाइज, अभी हम लोग हैं रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और पहली वाली फ़्लाइट अच्छी नहीं रही, उसके बारे में डिटेल्स आई विल गिव यू लेटर. बट अब दो घंटे के बाद हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है रियाद से पेरिस के लिए, सो जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस कि वो फ्लाइट ठीक रहे. बोंजोर्नो. यस, बोंजोर्नो. ये जो सऊदी का टर्मिनल है, रियाद का टर्मिनल है 4, इट इज़ वेरी 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 टाइनी. तो यहाँ पर सिर्फ 4-5 ही गेट्स हैं और थोड़ी सी फ़्लाइट्स आती हैं, और यहाँ पे खाने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं है. देन देर इज़ नो मनी चेंजर ऑल्सो. तो अगर आप सऊदी अरेबिया एयरलाइंस लेके आ रहे हैं, तो यू मेक श्योर कि आप थोड़ा सा करेंसी कैरी करें, अदरवाइज करेंसी कार्ड कैरी करें. कुछ मैं तो रियाद टर्मिनल 4, हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर से वेट कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट फ्लाइट में. अभी टाइम है अप्रॉक्सीमेटली आर एंड अ हाफ. हम लोग गेट पे भी बैठे हैं. यहाँ पे ये जो टर्मिनल है काफ़ी ज़्यादा न्यूली बिल्ट है और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है. यहाँ पे अभी कोई खास फूड के आउटलेट्स नहीं हैं और वैसे भी कोई ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं है अपार्ट फ्रॉम वाईफाई, इवन मनी चेंजर भी नहीं है. यहाँ पे सिर्फ ATM मशीन्स हैं. अगर आप फॉरेक्स ट्रैवल कार्ड लेके कैरी कर रहे हैं फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके पास यहाँ पे लोकल करेंसी नहीं है देन यू माइट फेस द प्रॉब्लम. बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ी सी ड्यूटी फ्री शॉपिंग है जैसे नॉर्मल एयरपोर्ट पे होती है, बट ये एयरपोर्ट टर्मिनल काफ़ी ज़्यादा छोटा है, एंड इफ़ यू आर पासिंग थ्रू देन आई वुड रिकमेंड कि आप लोग यहाँ पे एक फॉरेक्स का ट्रैवल कार्ड लेके आएँ. चलो एनीवेज, बस अब फ्लाइट की वेट कर रहे हैं, नेक्स्ट फ्लाइट में बैठ के पेरिस पहुँच के आपसे बात करते हैं. सऊदीया ने डिसाइड कर लिया है कि हमारी कोई फ्लाइट बिना परेशानी के जाए तो इसमें उनका मज़ा नहीं आएगा. वैसे तो ये फ्लाइट स्मूथ चल रही थी, बट जस्ट एज वी वर अबाउट टू बोर्ड, जो हम लोगों ने ऑनलाइन चेक इन किया हुआ था एंड हमने जो अपनी सीट सिलेक्ट की हुई थी वो सब सिस्टम ने चेंज कर दिया. और रीज़न जो हमें उन लोगों ने दिया कि एयरक्राफ्ट लास्ट मिनट पर चेंज हुआ है, एंड ऐसी प्रॉब्लम फ्लाइट में सब लोगों को हुई है, तो हमारी जो विंडो सीट हमने सिलेक्ट की थी वो हटा के हम लोगों को मिडल रो दे दिया. एंड लकीली फ्लाइट में लोग काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, थोड़ा एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोगों को सीट साथ में मिल गई, सो इसलिए अब मैं ज़्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकता. यूरोप में एंटर करने के लिए रिक्वायर है शेंगेन वीज़ा, एंड उसको लगवाने के प्रोसेस के लिए यूट्यूब पे काफ़ी सारा ज्ञान अवेलेबल है, बट फिर भी अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी ट्राई करूँगा. तो फाइनली पेरिस इट इज. Yes, after the long and tiring journey. And very tough journey. And very tough. The first leg was very tough. But उसके बारे में भी we will talk later. We'll talk about that later. Let's talk about the good part that we are finally here. At Paris. And this madam is excited. Yeah, we will go to Disneyland. Okay, Sarah. And look at this travelator. It's cool. Yeah, it's so cool. चलो पहले चलते हैं इमिग्रेशन, देन बैगेज क्लेम एंड देन टैक्सी. शेंगेन वीज़ा के बाद इमिग्रेशन इज़ वेरी इजी, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता एंड सीधा आप स्टैंपिंग करवाने के बाद बाहर निकल जाते हैं. हमारी पेरिस में जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो एयरपोर्ट से 1 घंटे की ड्राइव पे है, तो हम रास्ते के लिए कुछ खाने के लिए पिक कर रहे हैं. जैसे ही हम बाहर निकले हैं
The weather is so pleasant. ये ठंडी हवा झोंका यूरोप की फील आ गई है. ये हमारे टैक्सी वाले भाई साहब, इन्होंने हमारे लिए टैक्सी बुलाई हुई है. एंड वी आर नहीं ये नहीं इन्होंने इनका ड्राइवर आगे वो लेके जाएगा. तो पूरी फील आ गई सारा. How do you like it here? Glad that she's wearing jacket. बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है. हमने खाने के लिए भी सब सामान उठा लिया है. और हमने पेरिस में लंदन की फील ले ली है बिकॉज एमिनेस फूड पैनकेक्स मफिन चॉकलेट मफिन फॉर चलो. हमें लेने आई है ला इलेक्ट्रिक कार. सारा, do you like this car? Yeah, it has that sunroof. It's so cool. Yeah. Roof, it is a panoramic view. You can look out. Whole roof of window. Look at the back also. Yeah, it's all glass. Yeah, it's so beautiful. Is it strong glass? Yeah, it's very strong glass. पर अब हम चल पड़े हैं अपने होटल के तरफ. ऑल राइट गाइज, दिस इज इट. अपार्टमेंट का टूर मैं आपको दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में और साथ ही साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे पेरिस को एक्सप्लोर करना. तो यू गाइज स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल.